दोस्तों, आज मैं आपको 2 6 एम्पियर की सॉकेट और 4 6 एम्पियर की स्विच का कनेक्शन करना बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 4 6 एम्पियर की स्विच लगी हुई है और इसमें 2 6 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है। इसमें अब मैं आप सबको कनेक्शन करके इसमें दिखाऊंगा कैसे कनेक्शन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहिए और इसमें कनेक्शन कैसे होता है आप सीखते रहिए। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी 4 स्विच है और एक दो सॉकेट है। अब इसमें हम दोस्तों कनेक्शन कैसे करेंगे, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दो नंबर हमेशा स्विच में जो नीचे की तरफ होता है उसमें मेन लाइन आती है। हमेशा जो भी स्विच हो उस स्विच में जो नीचे की तरफ होता है कनेक्शन करने के लिए, इसमें मेन लाइन आती है। ये हमारी इसमें मेन लाइन आएगी और जो टॉप लिखा है, टॉप के ऊपर की जो आउटपुट निकलेगा, एक नंबर जो ये आउटपुट निकलेगा सीधे हमारे स्विच में आएगा, इस स्विच में आएगा। और यहाँ से दूसरी स्विच से जो निकलेगा, इस स्विच से जो निकलेगा आउटपुट हमारा इस सॉकेट में आएगा, इस सॉकेट में कनेक्शन हो जाएगा। और जो 2 स्विच बच रही है हमारा, ये हमारी 2 लाइटों के लिए, यहाँ से आउटपुट निकलेगा फेस का आउटपुट निकलेगा दूसरे लाइट के लिए और यहाँ पे तीसरे लाइट के लिए, ये हमारा कनेक्शन हो जाएगा इस तरह। तो मैं इसमें कनेक्शन करके आपको बताता हूँ, देखते रहिए। तो पहले हम इस स्क्रू को खोल देते हैं, नीचे वाले को। नीचे में सब कनेक्शन मेन आएगी इसमें, तो मेन का कनेक्शन करने के लिए हम इस स्क्रू को खोल देते हैं। तो मैंने इस चारों स्क्रू को खोल दिया। अब इसमें हम तार डालते हैं मेन, जो मेन लाइन आएगी इसमें। मैं पहले चारों स्विच का कनेक्शन एक साथ कर देता हूँ, कैसे करते हैं। ये हमारी आ गई 4 स्विच के लिए तार, इसमें अब कनेक्शन होगा। 4 स्विच की मेन आएगी इसमें, हम स्क्रू को कस देते हैं इसमें। 4 स्विच में मेन हमेशा नीचे की तरफ ही आएगी। देखिए दोस्तों, टॉप पे जो ऊपर की तरफ आउटपुट निकलेगा, हमेशा हम नीचे इनपुट ही देते हैं। अब यहाँ पे 4 स्विच में इनपुट दे रहे हैं दोस्तों। कनेक्शन लूजिंग ना करना, लूजिंग करने से हमेशा इसमें से आग निकलती है और आग लगने का खतरा रहता है। तो हमेशा इसको टाइट ही कसें। देखिए, हमने अब ये 4 स्विच के स्क्रू को कस दिया है। अब इसमें मेन का कनेक्शन हो चुका है, ये हमारा मेन का कनेक्शन हो चुका है। इसमें 4 स्विच में नीचे की तरफ मेन आ चुकी है। अब हम इस पहली वाली स्विच से कनेक्शन करेंगे सॉकेट का। अब आउटपुट निकलेगा जो मेन का सॉकेट, हमको स्विच से चलाना है तो इस स्विच से कनेक्शन देंगे हम। देखिए, ऊपर से हम कनेक्शन देंगे इसके, हमारा ऊपर से कनेक्शन होगा सॉकेट के लिए। देखिए दोस्तों, अब इस सॉकेट में कनेक्शन दे रहे हैं, इस तार को स्विच से जो आ रही है सॉकेट में कनेक्शन देंगे। इसको हमने सॉकेट में तार लगा देते हैं। देखिए, हमने इस पहली स्विच से दूसरे सॉकेट में कनेक्शन कर दिया। ये हमारी मेन आ रही है, ये हमारी आउटपुट निकल के सॉकेट में आ रहा है। फिर अब दूसरी इसी तरह कर देंगे। अब दूसरी स्विच में हमने कनेक्शन कर दिया। अब न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। इस यहाँ पे भी न्यूट्रल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी न्यूट्रल लिखा हुआ है। दोनों न्यूट्रल आपस में ही लिंक कर देंगे। देखिए, ये न्यूट्रल लिंक कर देंगे और ये अर्थिंग का तार भी लिंक कर देंगे। तो देखते रहिए दोस्तों। तो हमने न्यूट्रल का इस सॉकेट में कनेक्शन कर दिया है। अब इस न्यूट्रल का जो सॉकेट में दूसरे सॉकेट में लाने के लिए इसमें जब कनेक्शन करेंगे, तो दोस्तों इसमें जो हमारा मेन न्यूट्रल आएगा उसका तार और इस सॉकेट का तार दोनों करके हम आपस में कनेक्शन करेंगे। अभी तो फिलहाल इसे छोड़ देते हैं, जब मेन का कनेक्शन करेंगे तब इसी समय करेंगे। इस हमारा न्यूट्रल हो गया, दूसरा न्यूट्रल आएगा, दोनों साथ में इसी में हो जाएगा। और हमारा अर्थिंग का है इस तरह, अर्थिंग का भी जो मेन अर्थिंग आएगी उस अर्थिंग का तार और इस अर्थिंग का तार दोनों आपस में लिंक कर देंगे। और जो इस स्विच का आउटपुट निकल रहा है, ये जो स्विच का आउटपुट निकल रहा है, इस एक और दो, इस दो स्विच बच रही है हमारी लाइटों के लिए। तो हम एक लाइट का तार यहाँ पे मेन जो आएगी लाइन इसमें कनेक्शन करेंगे, दूसरी लाइट का तार इसमें कनेक्शन करेंगे। और दोनों लाइटों का जो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल लाएंगे तो इस न्यूट्रल में ही किसी में कनेक्शन कर देंगे, या इसमें किसी में न्यूट्रल में कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने इतने सब कनेक्शन करके रख दिए हैं।